ये टेंडर कहाँ मिलेगा बताओ मुझे, बिड, लिस्ट ऑफ बिड, कहाँ पे सर्च किया तो ये टेंडर मिलेगा, कौन से जगह पे सर्च करूं इसमें जो मुझे मिलेगा? राइट साइड हाँ? बीट तो आ रहे हैं राइट साइड बीट आ नहीं, रहे कहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन सर, बीट फर्स्ट बीट ऑप्शन से बीड एन आ रहे, बराबर, क्योंकि ये सिंगल प्रोडक्ट का टेंडर है और प्रोडक्ट का टेंडर है इसलिए यहाँ मिलेगा बीड टू आर एफ। अब दूसरा कहीं पर भी सर्च करोगे तो टेंडर नहीं मिलेगा। देखो जैसे मैं कस्टम बीड पे सर्च करके दिखा, यहाँ पे सर्च नो रिकॉर्ड फाउंड, और बीड टू आर एफ में सर्च करूंगा तो मिल जाएगा। मिलेगा क्या, मिलेगा या नहीं? नो नो क्यों सर, क्यों नहीं मिलेगा? ये तो इसी कैटेगरी का टेंडर है। ये वो तो सिंगल सर आपने क्वांटिटी, नंबर डाल सिंगल दिया है, क्वांटिटी मिलेगा नहीं? हाँ, पर नहीं मिलेगा, ये नो प्रोडक्ट रिकॉर्ड फाउंड। प्रोडक्ट एक ही है। क्यों नहीं मिल रहा है? देखो यहाँ पर भी एक लॉजिक चल रहा है, बिड्स ऑनगोइंग बिड्स। देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये टेंडर यही का टेंडर है ना। अब यहाँ पे सर्च करता हूँ विदाउट लॉग इन, लॉग इन नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे ये टेंडर मिल गया। मिला क्या? मिल गया, मिल गया पर यस सब जैसे मैंने यहाँ पे डाला लॉग इन करके, या लॉग इन हूं, यहाँ पे लॉग इन नहीं हूं, विदाउट लॉग इन टेंडर मिला, बट जैसे लॉग इन किया वो टेंडर सर्च किया तो नहीं। ऐसा क्यों? लिया था आपने लॉगिन में। यस, आपका, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है हमारे सर। पास ये टेंडर किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? टिश्यू पेपर के कैटेगरी से। इस कैटेगरी का कोई भी प्रोडक्ट मेरे पास लिस्टिंग नहीं है इसलिए। इस कैटेगरी का कोई भी प्रोडक्ट मेरे पास लिस्टिंग नहीं है इसलिए नहीं मिल रहा है। अभी सेम तो मेरे पास कौन सा कैटेगरी का लिस्टिंग है ये कैसे पता चलेगा? लॉग इन कर लो, ये तो पता होना चाहिए कौन सा कैटेगरी फिर मेरे पास लिस्टिंग है। तो यहां पे जाओ और व्यू सिलेक्ट कैटेगरी, तो मेरे पास ये सब कैटेगरी लिस्टिंग है। आपको देखना है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सर्च, तो देखो डिजिटल सिग्नेचर का टेंडर है। अब ये सब टेंडर में भर सकता हूँ, यहाँ पे आप ढूंढ लो डिजिटल सिग्नेचर का टेंडर, ढूंढ लो डाल दो, वो टेंडर में आप ढूंढूंगा तो मिल जाएगा मुझे डिजिटल सिग्नेचर, क्योंकि इस कैटेगरी मेरे से बिलोंग करता है। अरे आखिर में बीड नंबर डाला हूँ इसलिए, आइटम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सर्च, कोई भी टेंडर सर्च कर लो, ये वो कोई सा भी ले लो, कॉपी और यहाँ डाल दो बिल नंबर सर्च। क्योंकि इस कैटेगरी का कोई ना कोई प्रोडक्ट मेरे पास लिस्टिंग है, तो क्या मैं ये टेंडर भर सकता हूं? ये बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस कैटेगरी में जैसा स्पेसिफिकेशन चाहिए सेम स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट मेरे पास लिस्टिंग होना चाहिए, तो मैं ये टेंडर भर पाऊंगा, नहीं तो नहीं भर पाऊंगा। वो कैसे पता चलेगा? तो इसके आगे पता चलेगा। अब जाओ पार्टिसिपेटेड और यहाँ पे क्लिक करो, खत्म, इसके आगे आप नहीं जा सकते, यहीं तक आपका लास्ट। क्योंकि मेरे पास डिजिटल सिग्नेचर का प्रोडक्ट अपलोड है इसलिए ये टेंडर तो दिख रहा है, पर मैं भर क्यों नहीं पा रहा हूं? क्योंकि जो स्पेसिफिकेशन इसको चाहिए, ये सब निकाल देता हूं नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना, ये टिश्यू में रहने देता हूँ, ये डिजिटल सिग्नेचर, इसको जो स्पेसिफिकेशन का चाहिए सेम स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट मेरे पास लिस्टिंग नहीं है इसलिए मैं टेंडर नहीं भर पा रहा। तो मुझे ये टेंडर भरना है तो क्या करना पड़ेगा? सेम स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट अपलोड करना पड़ेगा, चाहे आप न्यू कर लो यहां से या पेयर कर लो। तो मार्केट में जाके मैं पेयर कर लेता हूं एक प्रोडक्ट, किस कैटेगरी में है ये प्रोडक्ट? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये कैटेगरी मुझे पता है, हम यहाँ पे डाल देंगे कैटेगरी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। आ गया, लॉगिन चाहिए मुझे, लॉगिन तो करना पड़ेगा। ओके, अभी इसका स्पेसिफिकेशन वाइज डाल दो, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन,
अब यहाँ पे कहाँ मिला पता चलेगा मुझे, यहाँ से क्लास, क्लास थ्री का है, यहाँ डाल दो क्लास में क्लास थ्री, बाकी कोई भी डालोगे तो टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओ, क्लास थ्री बोला है तो क्लास थ्री ही डालना है। वैलिडिटी 2 इयर्स वाला चाहिए तो मुझे वैलिडिटी 2 साल वाला ही दे रहा है, 3 साल वाला भी हम नहीं दे सकते, 2 साल जैसा बोला है सेम। गलती करोगे टेंडर भर नहीं पाओगे। सर्टिफिकेट सिग्नेचर, सर्टिफिकेट में सिग्नेचर, या गोल्डन इसको बोलते हैं सिल्वर, दोनों मैच होना चाहिए, सिर्फ सिग्नेचर, ये वाला फिल्टर। और क्या बोला है देखो, यूएसबी क्रिप्टो टोकन, यस यूएसबी क्रिप्टो टोकन, यस। और क्या बोला है देखो, ऑथेंटिकेशन फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, ऑथेंटिकेशन में फिजिकल यही लेना पड़ेगा। और सर्टिफिकेट इंक्रिप्शन SHA-2, यहाँ पे दोनों लगता है, गोल्डन प्लस सिल्वर दोनों मैच होना चाहिए। सर्टिफिकेशन SHA-2 बोला है ना, क्लियर, देखो SHA-2। गलती करोगे टेंडर नहीं भरेगा। अब इसमें से कोई भी प्रोडक्ट आप दे सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट इसमें से आप ऑफर कर सकते हो। चलो मैं देखता हूँ ये वाला कंपनी का, तो मैं यदि इसी कंपनी का प्रोडक्ट दे रहा हूँ तो इस कंपनी का देख लेंगे, 2000 रुपया रेट है, पर ये दोनों OEM वेरीफाइड है तो मुझे ये बेचने को परमिशन ही नहीं मिलेगा। तो आप ढूंढ लो यहाँ पे कोई सा भी जो आप परमिशन मिल जाए आप। पेंटा साइन का देखते हैं, तो भी साइन का मेरे पास है ऑथराइजेशन, भी साइन का कर सकता है। OEM वेरीफाइड रीसेलर, शायद ये मिलेगा कि नहीं, यहाँ सेलर डिटेल से पता चलेगा, सब OEM वेरीफाइड रीसेलर है ना, नहीं है फिर ये नहीं भर सकते। चलो इसको भी निकाल दो, ये भी नहीं चलेगा, पेंटा साइन का भी और सीएस का मिल जाएगा शायद, ये भी वेरीफाइड है, नॉट वेरीफाइड है कि नहीं, वर्सेस ये वाला शायद कंपनी का, ये भी वेरीफाइड, देखता हूँ। हाँ ये हो जाएगा, देखो रीसेलर और कैटलॉग नॉट वेरीफाइड है ना, ये वाला हम कर सकते हैं। चलिए तो इसको हम लोग भेज देते हैं सेल दिस आइटम, अभी आप अपने अकॉर्डिंगली रेट डाल दीजिए। ओके, ऑथराइजेशन नंबर, पेयर कर रहे हैं, यदि आपको लग रहा है पेयर में नहीं करना है, नया डालना है तो नया भी डाल सकते हो, पर उसके लिए 2 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, और पेयर में आधे घंटे में हो जाएगा। मेक इन इंडिया मांगा है क्या, मांगा है तो देना ही पड़ेगा, फिर वो भी एक बार चेक करना है आपको, मेक इन इंडिया मांगा है क्या, मेक इन इंडिया नो है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता इस टेंडर में, यस करो या नो करो, यस करेंगे तो भी चलता था। 5000 क्या रेट में बेचना चाहते हो, तो 3000 फिर 1000 1200 जो भी आपका रेट है वो डाल दो। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। अभी ये स्टॉक भी एक बार चेक करो, टेंडर के अकॉर्डिंगली उतना स्टॉक होना चाहिए, टेंडर को कितना चाहिए, कितना क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट है, 72, तो आपके पास स्टॉक 72 से ज्यादा होना चाहिए। डाल देते हैं, 1000 डाल दो, 5000 डाल दो, और ये 72 से कम होना चाहिए, 20, 1 से 15 के बीच कुछ भी डाल दो, 15, 7%। रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन, क्लोज एक्सेप्ट और पब्लिश, ठीक है, विल बी पब्लिश बोल रहा है, हो जाएगा। आज थोड़ा जेम का पोर्टल आराम आराम से चल रहा है, अरे वाह बादशाह है, अभी अप्रूवल तुरंत मिल गया। चलो देखते हैं, मुझे यहाँ पे तो अप्रूवल मिल गया, पर क्या मुझे यहाँ से अप्रूवल मिला वो भी चेक करना पड़ेगा, इसमें अप्रूवल आया कि थोड़ा इसमें टाइम लगता है अप्रूवल के लिए, एक लॉग आउट ही कर दिया मुझे। चलो बाहर कर देते हैं, बाहर कर देते हैं और लॉग इन करते हैं फिर से।
मेड्स डेस्कटॉप मेड्स, ये टेंडर को सर्च कर लो फिर से, थोड़ा टाइम लग सकता है, 5 से 10 मिनट का अप्रूवल के लिए टाइम जाता है, मिल जाता है, जनरली 4 से 6 घंटा बोलता है, जल्दी अप्रूवल मिल जाता है, वो लिखा हुआ ही था, याद है मैंने बताया था, पार्टिसिपेटेड पार्टिसिपेटेड, देखो आ गया अप्रूवल, मैं कितने में दे रहा हूँ, 1200 रुपया में अप्रूवल, तो इसको करेंगे चूज दिस आइटम, 5000 है, तो आप इसका जो प्राइस है 5000 से नीचे कुछ भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं अभी 1200 ही डालना है, अभी आपके ऊपर है, चूज दिस आइटम, सेव एंड कंटिन्यू, कंटिन्यू, अभी आपका रेट 5000 से नम आप डाल सकते हो, 5000 से नीचे एमआरपी से ज्यादा नहीं बेचें, उसके नीचे आप कोई भी रेट डाल सकते हो, इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, जो भी है सब कुछ इंक्लूड्स है ना, तो मैं यहाँ पे रेट कैटलॉग 1200 है, उससे रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको ऑफर कर रहा हूँ 3200 रुपये, तो मैं ऑफर कर रहा हूँ, 72 आइटम क्वांटिटी है, तो उसके हिसाब से 23400 रुपये का हो गया ना, इनक्रिप्ट एंड सेव, ओके 230000 रुपये, अब इसमें डॉक्यूमेंट्स बोला था, पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस मतलब क्या, अभी स्टैंडर्ड में डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने देखा ही नहीं एक्चुअली, हम लोग टिश्यू पेपर का टेंडर बोल रहे थे, डिजिटल से देखो क्या क्या मांगा है इसमें, पास्ट परफॉर्मेंस मांगा है और एटीसी मांगा है, पास्ट परफॉर्मेंस मतलब कितना परसेंट, 20%, तो टेंडर का जो वैल्यू है उसका 20% का आपके पास पास्ट परफॉर्मेंस होना ही चाहिए, दैट मीन्स सेम डिजिटल सिग्नेचर बेचा हुआ का ही होना चाहिए, वही सेम प्रोडक्ट, अभी यहाँ पे पास्ट परफॉर्मेंस में आप अलग नहीं दे सकते, डिजिटल सिग्नेचर का ही देना पड़ेगा, सेम प्रोडक्ट आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को किसी को बेचा हुआ 20% का होना चाहिए, या फिर क्वांटिटी वाइज 72 का 20% कर दो, उतना क्वांटिटी का प्रोडक्ट आप बेचा हुआ होना चाहिए, उसका वर्क ऑर्डर का कॉपी यहाँ पे अपलोड करोगे, और एटीसी, एटीसी तो मैंने आपको बताया थोड़े देर पहले भी, या एटीसी, इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसके साथ वो अपलोड होगा, और नहीं तो इतना ही डॉक्यूमेंट सबका अपलोड हो जाएगा एटीसी, ठीक है, अपलोड कर दिया, इसको सेव, ये हो गया टेक्निकल, और पहले हम लोगों ने ऑफर प्राइस में फाइनेंस भरा, सेव हो गया, ईएमडी नहीं है इसलिए बाय डिफॉल्ट ये स्किप हो गया, और वेरीफाई विद ओटीपी एक्सेप्ट करो, वेरीफाई विद ओटीपी पे जाओ, ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालो, टेंडर आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ये है प्रोडक्ट का टेंडर भरने का तरीका, बोलो कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है तो बताओ, एटीसी में तो बोला मैडम आपको, ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसका लेटर हेड पे मारो प्रिंट, और इसमें यदि कोई डॉक्यूमेंट्स बोला है तो वो डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ अपलोड होगा, उसका एक सिंगल पीडीएफ बना के अपलोड करना है, बोलिए और किसी को कुछ पूछना है।